जिस प्रकार स्वतंत्रता दिलाने के लिए विभिन्न राजाओं ने विभिन्न प्रकार से अपना अपना अथक प्रयास किया था, राजाओं के साथ उनके सेनानी, उनके सेनापति तथा हर वो नागरिक, हर वो व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता था, उसने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से देश की स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, बेटों के साथ साथ बेटियों ने भी स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसी क्रम में एक ऐसी घटना मिलती है जो जोधपुर इतिहास से संबंधित है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की पुत्री इंदिरा कुंवारी, इंदिरा कुंवारी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ हुआ था तथा उसकी नीयत हमेशा से जोधपुर पर रही थी तथा जोधपुर को वो गुलाम बनाना चाहता था। अजीत सिंह द्वारा कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक नीति के चलते हुए अपनी पुत्री इंदिरा कुंवारी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ करवा दिया जाता है। इंदिरा कुंवारी छल पूर्वक मुगल बादशाह को जहर देकर उसे मार देती है तथा जोधपुर रियासत के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे होते हैं वो उसकी मौत के साथ समाप्त हो जाते हैं। मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद इंदिरा कुंवारी पुनः अपने पिता के घर यानी राजा अजीत सिंह के वहां लौट आती है तथा अजीत सिंह उन्हें पुनः हिंदू रीति रिवाज से शुद्धिकरण कर उनका विवाह एक हिंदू युवक के साथ कर देते हैं। ये वही अजीत सिंह है जिनके पिता जसवंत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए जोधपुर के इतिहास में तथा ये वही अजीत सिंह है जिनकी रक्षा तथा जिन्हें सत्ता पर बैठाने के लिए मारवाड़ का उद्वारक या आधुनिक कटप्पा कहे जाने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ ने जिस राजकुंवर की रक्षा की थी वही अजीत सिंह है। ऐसे बहुत से उदाहरण इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं जहां पर बेटों के साथ साथ बेटियों ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना अथक प्रयास किया है तथा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।